और मैं हर जगह कहा कि दुधा दुध ते पानी दा पानी बैंस दे उत्ते कोई पहला झूठा इल्जाम नहीं। बैंस दे उत्ते समय समय दे उत्ते झूठे बेबुनियाद इल्जामां दे तहत तकरीबन 1.5 दर्जन FIR कांग्रेस के बहुत सारे लीडर तो अकाली दल के नाल रल के सारी साजिश बना रहे। इस मसले दे विच भी पूर्ण तौर पर न्याय जरूर मिलेगा। बादल दलीए ते कांग्रेस वाले लोगों ने वोटर ने नकारे हुए लोग अज वो कट्ठे हो के नैक्सस बना रहे, अज वो कट्ठे हो के ये सारा षडयंत्र रच रहे भी बैंस नू खत्म राजनीतिक तौर पर किवें करना। खबर लेने लुधियाने तो बलात्कार के इल्जामों में घिरे लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस अपना बयान दर्ज करवाने लई देर शाम लुधियाना पुलिस अगे पेश हुए। पुलिस नू अपने बयान देण तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा है कि मेरे ते लगे सारे इल्जाम झूठे ने और जो अकाली अते भाजपा उन्हां दे खिलाफ धरना दे रहे ने इस तो साफ सिद्ध हुंदा है कि यह साजिश उन्हां वल्लों ही घड़ी हुई है ते बैंस नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती जा रही है जो ओ नहीं कर सकते। लोक इंसाफ पार्टी दे मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि ओ निर्दोष ने अते अजिहे इल्जाम अते झूठे केस पहला भी उस ते लगदे आ रहे ने, उन्हां विच सारियां मानयोग अदालतां ने उन्हां नूं बरी कीता होया है। बैंस ने कहा कि उस नूं कानून ते पूरा भरोसा है और जो भी पार्टियां इस तरह के इल्जामबाजी दे विच राजनीतिक फायदा लेना चाहुंदियां ने ओ भी एक ना एक दिन बेनकाब जरूर होणगियां। सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि पानी बचाओ यात्रा नूं प्रभावित करन लई इह सारे इल्जाम उन्हां ते लगाए गए ने। इस संबंध विच होर की गलबात हुई है आओ सुणदे हां। सो मैं लोक इंसाफ पार्टी वालों विढ़ी हुई यात्रा जी 16 से 19 नवंबर तक सी उदे बिजी सीगा पर मैं 11 जिले की प्रेस नू हर जगह प्रेस ने जिथे साडा खेत साडा पानी साडा हक पंजाब अधिकार यात्रा दे मितों सवाल पूछे नाल औरत वालों लाए हुए इल्जामों के सवाल भी पूछे और मैं हर जगह कहा कि दुधा दुध ते पानी दा पानी बैंस दे उत्ते कोई पहला झूठा इल्जाम नहीं। बैंस दे उत्ते समय समय दे उत्ते झूठे बेबुनियाद इल्जामों के तहत तकरीबन 1.5 दर्जन FIR जिहड़े अज पुतले फूकते फिरते आ इन्हां दी सरकार मौके मेरा ख्याल दर्जन के करीब झूठे इल्जामात ते FIR। सो जिहड़ी दोस्त सच्चाई है ना वो इत्थे भी उही आ, वो साल बाद भी उही आ ते वो 10 साल बाद भी उही आ। सच्चाई अज सामने आ जाए, सच्चाई 4 दिन नू सामने आ जाएगी, थोड़े सामने आऊगी। बैंस के चरित्र नू पूरी दुनिया च वसदे पंजाबी जानदा बैंस का चरित्र की है। बेईमान ताकतवर लोगों के चेहरे बेनकाब करने वाले का दमन पाक साफ ना हो समझ सकते हो तुसी कदे। सो मैं जो बिल्कुल सच सीगा हूब हू सारी गल सत्कारयोग जिहड़े IPS मैडम हैगे आ मैं उन्हां नू दस के आया ते मैनूं पूर्ण आस आ भी सारा कुछ सच्चाई थोड़े सामने आऊगी, दुध दा दुध ते पानी दा पानी होगा। लगातार धरने लग रहे ने चाहे अकाली दल आ चाहे BJP है, फिर इस गल तो हुण तुसीं खुद ही नतीजा कढ सकदे हो भी जे अकाली बैंस दे विरुद्ध धरने लाउंदे आ ते बिहाइंड द कर्टन कौन हैगा इस सारे षडयंत्र दे पिछे, इस सारे सीरियल दे पिछे कौन लोग हैगे, किन्हां लोकां दा दिमाग कम कर रहा। उन्हां तों कुछ नहीं होया पिछले लंबे समय तों, धूल चटते वोटर ने धूल चटाई है। उन्होंने एक तो एक इल्जाम बैंस के गल मड़न का यतन किया पर प्रभु बड़ा बेअंत आ, 100 दिन चोर का तो 1 दिन साध का, वह बड़ा बेअंत आ। उन्हें हमेशा चाहे हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना बड़ा विरोधियों का तणव चढ़िया रहा, झूठ का पैरा चढ़िया रहा पर सच्चाई सामने आती है। इस करके जिहड़े BJP ते अकाली दल के लोग दोस्त धरने लाते फिरते पुतले फूकते फिरते उन्होंने थोड़ा समा रुक जाओ, सारी सच्चाई सामने आ जाऊगी। सच्चाई की है तो बैंस साहब एक लेडी जड़ी इल्जाम लगा रही है वो कह रहे कि चैटिंग भी हैगी है, रिकॉर्डिंग है। मैं अंदर दस के आया सारा कुछ जी, जड़ी चैटिंग तो अपने मतलब दी रख लो जे ते कोई शक पैंदा होवे ते जड़ी कंप्लीट है उहदे विचों बाकी दीआं नॉर्मल गल्लां परे कर दिओ। मैं कदों कहना भी चैटिंग नहीं, मैं कदों कहना कि मैं उहदा मकान वाला मसला अज तो साल पहला नहीं कराया, मैं कदों कहना कि ऑडियो मेरी नहीं, पर किसी चैटिंग किसी ऑडियो दे विच कोई गलत गल लिखी होवे
कोई गलत इशारे की गल लिखी हो, कोई दो अर्थी गल लिखी हो, मैं गुनाहगार ते दोषी हाँ। देखो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर तो अकाली दल के नाल रल के सारी साजिश बना रहे, तुसी ये किवें कह सकते हो कल कोई इसे तरीके की औरत उठ के किसे मेरे तो वड्डे रुतबे वाले ते जिदे विच कोई लोगों का चुनिया मुख्यमंत्री मंत्री कोई जज कोई वड्डा अधिकारी हो सकता उहदी थारों लई छानबीन करना वो पुलिस की ड्यूटी हैगी है ना। मैं फिर कहूँगा मैनू न्याय मिलेगा, अदालतों ने मैनू हर साल मेरा ख्याल दो तीन मुकदमे जो मैं बरी हूं तो सच करके दोस्त बरी हूं, इस मसले के भी पूर्ण तौर पर न्याय जरूर मिलेगा। तो तबादला उस पार्टी का MLA जिसे सिर्फ दो विधायक है, अज वो जी गल हैगी भी उस पहले अधिकारी का तबादला करके उन्होंने SSP ला दिता कि वह बैंस ने लाता, ये सब कुछ जिहड़ा राजनीति के हाशिए ते पहुंची हुई पार्टी है बादल टब्बर वालों, जिहड़े ये लड़ाई नहीं वो अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ ते सिर्फ अपनी होंद की लड़ाई लड़ी जा रही है, नथिंग एल्स। नहीं बहुत तुहानू लोकल पद्धर दे उत्ते जिहड़े बादल दलीए ते कांग्रेस वाले लोगों ने वोटर ने नकारे हुए लोग अज कट्ठे होकर नैक्सस बना रहे, अज कट्ठे होकर यह सारा षडयंत्र रच रहे हैं भी बैंस न खत्म राजनीतिक तौर पर किवें करना, लोक इंसाफ पार्टी की जी लोकप्रियता खत्म किदा करना, वह सारा कुछ अंदर दस के आए हैं, वह कार्ड भेजा हुआ जो मुंडा कपैसिटर रिपेयर करता वह बकायदा तौर पर कट्टिया हुआ चलान A to Z सारी तहकीकात गल दस के आए हैं 100%। जिदन असी पंजाब अधिकार यात्रा शुरू करते हैं उसे दिन औरत CP दे कंप्लेंट देन जाती है, ये डाइवर्ट जी अटेंशन है डाइवर्ट करने का यतन है, जो प्यार लोक इंसाफ पार्टी लई सिमरजीत बैंस लई लोगों दी असीसां ने उन्हूं घट करन दा नगूणा जिहा होशा यतन हैगा है। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है, फिर रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने, जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले, ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।